अब हम देखेंगे सामुदायिक स्तर पर आपदा। तो जब हम समुदाय की बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें, तो ये मेंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो सामुदायिक यहाँ पर बात की जाएगी, तो सामुदायिक सहभागिता में स्वयं एक संस्था के रूप में समुदाय आपदा प्रबंधन में शामिल सभी प्राधिकरणों में सर्वाधिक सशक्त प्राधिकरण के रूप में उभर रहा है, यानी काफ़ी एम्पावर्ड एक अथॉरिटी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डिजास्टर के जब भी आपदा घटित होती है, उसके होने पर रोकथाम संबंधी क्या कार्य करने चाहिए, यदि समुदाय इससे अच्छी तरह अवगत हो तो वह आपदा के कारण हुए नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। समुदाय की शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां बार बार आपदाओं की संभावना बनी रहती है, यानी उस कम्युनिटी को एजुकेट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। अब WHO की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन समुदाय को यानी कम्युनिटी को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करता है जिनका एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है। मीन्स दिस ग्रुप आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, जिनकी रुचियां और आकांक्षाओं में सामंजस्य होते हैं। दे हैव द सेम एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। यह सर्वमान्य मूल्यों और उद्देश्यों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कुछ क्षेत्रों में समुदाय के प्रयास प्रशंसनीय हैं। कुछ स्थानों पर इन लोगों ने अपने अलग संगठन बना लिए हैं जो आपदा की स्थितियों में पहल करते हैं। ये समुदाय आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। समुदाय आधारित संगठन, जैसा कि कहा गया है, जो कार्य करते हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर एक, आपसी सहयोग और भाईचारा को बढ़ाना। नंबर दो, विपत्ति का सामना करने के लिए लोगों की योग्यता को सुदृढ़ करना, यानी जो क्वालिफिकेशन है, जो डिज़ायर है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना यदि कोई डिजास्टर है तो उसको फेस करने के लिए। सामान्य सरोकारों से संबंधित मामलों पर चेतना व जागरूकता पैदा करना, यानी कि अवेयर करना जो भी ऐसे इश्यूज होते हैं। सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और सूचनाएं लोगों को सुलभ हो, उन्हें यह मांग करने योग्य बनाना। नए सूचना अधिकार अधिनियम से इस भूमिका को बढ़ावा मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल दोनों एक साथ अर्जित करने की व्यवस्था करना। तो ये पांच जो पॉइंट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने क्या देखा, नंबर वन कि जो भी यहाँ पर फ्रैटर्निटी है, आपसी भाईचारा है, उसको बढ़ावा देना। दूसरा, इस कदर काबिल बनाना कि वो डिजास्टर्स को फेस कर सकें। तीसरा, अवेयरनेस का जगाना। चौथा, जो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी हैं वो जो भी सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो लोगों तक पहुँचे, इसका ध्यान रखना। और लास्ट, डिफरेंट एरियाज में जो स्किल्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए अरेंजमेंट करना। इस तरह से एक महत्वपूर्ण समुदाय आधारित संगठन है ग्रामीण कार्यदल। ये कार्यदल आंध्र प्रदेश के गांवों में गठित किए गए हैं, जिससे प्रभावित होकर ऐसे ही कार्यदल गुजरात में और उड़ीसा में भी गठित किए गए हैं। ग्रामीण कार्यदल के स्वयं सेवकों को ग्राम में आपात स्थिति में स्थान खाली कराने तथा ग्राम राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग की मुख्य विशेषताएं हैं, नंबर वन, ग्रामीणों और स्टाफ सदस्यों के लिए आपदा तैयारी में अभिविन्यास प्रशिक्षण। नंबर दो, आम सभाओं में आपदा तैयारी पर चर्चा। अब इसके बाद नंबर तीन, विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों के नाम प्रायोजित करना। और फोर्थ पॉइंट है, आपात स्थितियों के लिए हैंडबुक या कार्यपुस्तिका तैयार करना। प्रत्येक जो समुदाय कम्युनिटी होती है, इसके पास 10 से 12 सदस्य वाला अपना आपदा कार्यदल यानी डिजास्टर टास्क फोर्स DTF होना चाहिए। और ये सदस्यों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, नंबर वन, ये यंग हो, हेल्दी हो। नंबर दो, ग्राम पंचायत के मेंबर हो। नंबर थ्री, कम्युनिटी में उनका एक्सेप्टेबिलिटी हो, बिलीफ हो।
नंबर 4, वे दैनिक कार्यों के लिए दूर स्थानों पर ना जाते हों। नंबर 5, उनमें समुदाय सेवा और स्वैच्छिकता वॉलेंटियर के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता हो। ओके, लोगों को कार्य दल का चयन करना चाहिए और आपदाओं के दौरान ग्रामीण स्तर पर इसे आपदा प्रबंधन के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इसे समुदाय के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना चाहिए और बाहरी संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आवश्यक सूचना ग्रामीणों को प्रदान करनी चाहिए, जबकि एक प्रभावी संस्था के रूप में समुदाय को भारत जैसे कम साक्षरता वाले तथा व्यापक गरीबी वाले विकासशील देशों में अभी सुनिश्चित रूप धारण करना है। बुनियादी स्तरों पर समुदाय आधारित संगठनों को गठित और सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। समय के साथ आपदा स्थितियों से निपटने में सामुदायिक तैयारी के महत्व को उचित रूप से स्वीकार किया गया है। यदि मानव अंतक्षेप को विध्वंस के पैमाने में बढ़ोतरी का कारण माना जा सकता है, तो सामुदायिक तैयारी के माध्यम से इस पैमाने को कम किया जा सकता है। 1999 में गठित उच्चाधिकारिक समिति की रिपोर्ट हाई पावर्ड कमेटी ने भी आपदा मूल्यांकन का स्वरूप खतरा मूल्यांकन, रिस्क मैनेजमेंट, आपदा रोकथाम, आपदा योजना, जन सूचना और जागरूकता जैसे सामुदायिक तैयारी घटकों और कार्यनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। समुदाय आधारित संगठन की क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 1, समुदाय को आपदा न्यूनीकरण यानी डिजास्टर यहाँ पे मिनिमाइजेशन तैयारी और अनुक्रिया कार्यक्रमों को सक्षम और प्रभावी रूप से विकसित, प्रबंधित और कार्यान्वयन योग्य बनाना। आपदा अनुक्रिया में सामुदायिक संगठन, गैर सरकारी संगठन और सरकारी प्राधिकरण के बीच प्रभावी समन्वय को बढ़ाना, आपदाओं को प्रबंधन करने में हुए अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच विकसित करना, समुदाय में प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन कर्मियों का एक संघ बनाना जो आपदा प्रबंधन में मुख्य केंद्र बिंदु रिसोर्स पर्सन का काम करे, दूसरे सुविधा वंचित समूहों की सुरक्षा, मांग और स्वास्थ्य जरूरतों का मूल्यांकन व उन्हें पूरा करने के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। इसी तरह से एनजीओस के रोल हैं। एनजीओस में क्या देखेंगे आप? गैर सरकारी संगठन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रभावी समुदाय के बीच सक्षम संचार के सर्वाधिक प्रभावी साधन है। कई प्रकार के एनजीओ गैर सरकारी संगठन हैं जो समर्थन के साथ साथ बुनियादी स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट आपदा अवस्थाओं में वे तैयारी, राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तथा पर्यवेक्षण और परीक्षण में भी सहायक हो सकते हैं। यदि इन गैर सरकारी संगठनों के सामर्थ्य का सही रूप से सदुपयोग किया जाए तो वे आपदा प्रबंधन के सफल और सहभागी उपागम में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। गैर सरकारी संगठन सहभागिता आपदा प्रबंधन कार्यनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अत्यधिक कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि गैर सरकारी संगठन से आपदाओं के पूर्व, आपदाओं के दौरान और आपदाओं के पश्चात कार्य करने की उम्मीद बढ़ जाती है। गैर सरकारी संगठन की अद्वितीय विशेषताएं हैं उनका तुरंत अनुक्रिया समय और समुदाय के साथ उनके निकट संबंध, और इसी के कारण उन्हें आपदा प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यकलापों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्राधिकरण माना जाता है। गैर सरकारी क्षेत्रों से पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए इस संरचना को सुव्यवस्थित करने और इसे लिखित प्रमाण भी देने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ सरकार की भूमिका के समक्ष गैर सरकारी संगठन की भूमिका को स्पष्टतः पता लगाकर उसे भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी आपदा प्रबंधन क्रियाविधि आपदा के गठित होने पर थोड़े से ही समय के अंदर कार्यान्वित किया जा सके। इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूचे समुदाय का सामूहिक कार्य, कलेक्टिव एक्शन समय की मांग है। इस संदर्भ में गैर सरकारी संगठन मुख्य कर्ता धरता है। जहाँ तक समुदाय को शामिल करने की बात है, गैर सरकारी क्षेत्र और महत्वपूर्ण समुदाय आधारित संगठन जो आधारभूत स्तर पर काम करते हैं, दोनों ही सरकारी प्राधिकरणों से संबंधित हैं। ऐसा उनके समुदाय के साथ निकटता के कारण है और उनमें कार्यावधिक मामलों में लचीलेपन के कारण है।
गैर सरकारी संगठन के भी विभिन्न प्रकार हैं। प्रत्येक संगठन के कार्य का विशिष्ट क्षेत्र होता है और अलग अलग क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता होती है। इनके स्वरूप संगठनात्मक और सूचनार्थ विशेषता होने के बावजूद भी गैर सरकारी क्षेत्र अपने नेटवर्कों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सारे क्रियाकलापों को करता है। कुछ प्रमुख प्रकार के गैर सरकारी संगठन का विवरण नीचे दिया जा रहा है, जैसे कि एनजीओस विद डेडिकेटेड फील्ड ऑपरेशंस एंड रिसोर्स बैकअप। ये बड़े बड़े संगठन होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। इनका कार्य क्षेत्र विशिष्ट होता है और उसी क्षेत्र विशेष में ये कार्य करते हैं। बड़े संसाधन आधार तक की इनकी पहुँच होती है और ये आपदा प्रभावित क्षेत्र में सहायता सामग्री को वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। आपात स्थितियों में पूरे विश्व से सहायता व संसाधन जुटाने के इनकी भूमिका प्रशंसनीय होती है और आपदा प्रभावित लोगों के बचाव में वे तुरंत पहुंचने में आगे रहते हैं। सेकंड है एनजीओस रिलेटेड विद डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। ये गैर सरकारी संगठन विकास प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उनका प्रचार करने के कार्य करते हैं। सुलभ इंटरनेशनल इसका एक उदाहरण है, जो कि कम लागत के स्वच्छता प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ये गैर सरकारी संगठन सामान्य स्थितियों में होते हैं। वे साल भर अपनी विकासात्मक परियोजना पर कार्य करते रहते हैं और आपदा के दौरान आपात स्थिति में इनकी कभी भी सहायता ली जा सकती है। वे प्रभावित समुदायों को बुनियादी प्रावधान मुहैया कराने के काम को आगे बढ़ाते हैं। भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान विध्वंस और मृत्यु की घटनाओं को कम करने के लिए गैर आपदा अर्थात सामान्य स्थितियों में और वे अत्याधुनिक भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में इनकी सेवाएं महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ग्रुप। ये भी गैर सरकारी संगठन है। विभिन्न हितों वाले ये समूह बहुउद्देश्य स्वरूप के होते हैं, जैसे रोटरी क्लब। हालांकि ऐसे हित समूह बहुत क्रियाशील रहे हैं और जरूरत के समय आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए हैं। वे राहत सहायता और पुनर्वास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ लोकल रेसिडेंट ग्रुप। ऐसे संघ सामान्य व्यवसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर बनाए जाते हैं, अर्थात समान व्यवसाय वाले व्यक्ति संघ के सदस्य होते हैं। ऐसे समूहों में चिकित्सक संघ यानी डॉक्टर्स एसोसिएशन, व्यापारी संघ और सैनिकों की पत्नियों का संघ आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन आदि आते हैं। दूसरे हित समूहों की भांति ऐसे समूह संसाधन जुटाने में और आपात स्थिति में पीड़ितों के लिए विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ लोकल रेसिडेंट ग्रुप। ये निवासी कल्याण रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन स्थानीय निवासियों द्वारा उनके क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये संघ स्थानीय निवासियों के कल्याण से अत्यधिक सरोकार रखते हैं और आपदा न्यूनीकरण में किसी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इन्हें किसी बाहरी प्रेरणा या संसाधन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह बुनियादी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस बॉडीज। धार्मिक निकाय एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन समूह है, जो आपदा पीड़ितों के बचाव और राहत कार्य में तुरंत आगे आती हैं। इन निकायों के अपने अपने समुदाय में अत्यधिक समर्पित और न्यायी होते हैं। इनका स्थानीय पूजा स्थलों पर भी नियंत्रण होता है, जो कि सामान्यतः ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर बने होते हैं और वे आपदा पीड़ितों के लिए आदर्श आश्रय स्थल का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास विशाल जनसमूह को भोजन कराने के लिए संसाधन और बुनियादी संरचना भी होती है, जो आपदा राहत कार्य को सुगम बनाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शैक्षिक संस्थान जैसे कि स्कूल और कॉलेज आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मुख्य उत्तरदायित्व प्राकृतिक आपदाओं संबंधित जागरूकता व्याप्त करना है, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रोकथाम कार्य प्रदान करना, साथ ही साथ तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इन संस्थानों के पास स्थानीय स्तरों पर बड़े भवन होते हैं। आपदा के समय जिनका प्रयोग पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल के रूप में किया जा सकता है। इन सभी गैर सरकारी संगठनों और उनसे संबंधित कार्यकलापों से संबंध क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए
यह कहा जा सकता है कि गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित में योगदान द्वारा आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। नंबर वन है कम्युनिकेशन विद कम्युनिटी, अर्थात समुदाय के साथ संवाद। गैर सरकारी संगठनों का समुदाय के साथ अच्छा संपर्क होता है और आपदा प्रबंधन कार्य के क्षेत्र में भी मौजूद भी रहते हैं। यह उन्हें आपदा के समय मूल्यांकन, निर्णय लेने और राहत कार्यों को लागू करने के लिए अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेस। गैर सरकारी संगठन के पास मानव सहायता असीमित रूप से उपलब्ध होती है। गैर सरकारी संगठन के मानवीय संसाधन बहुत मुस्तैद और काफ़ी प्रेरित होते हैं। चूँकि वे मुख्य रूप से ऐसे स्वयंसेवक होते हैं जो स्वेच्छा से ही स्वयं इस कार्य क्षेत्र में शामिल होते हैं, उनके पास सूची व्यवस्थित करने और संबंध कानूनी मामलों से निपटने जैसी कोई कार्यविधिक समस्या नहीं होती। नेक्स्ट है फिनेंस एंड मटेरियल। तो यहाँ पे जब वित्त और सामग्री की बात आएगी तो गैर सरकारी संगठन के पास संसाधन जुटाने के बहुत ही लचीले साधन होते हैं और इनमें से कई आपदाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये अन्य गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों के लिए धन देने के लिए जल्दी उचित व सही संसाधन जुटाने में माहिर होते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। गैर सरकारी संगठन समुदाय को कई विशिष्ट तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं जो कि अन्यथा बहुत महंगी और आम जनता की पहुंच से दूर होती है। पहचाने गए गैर सरकारी संगठनों के प्रकार और उनकी क्षमताओं के आधार पर गैर सरकारी संगठनों के संगठित कार्य निम्न क्रियाकलापों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिनको कई स्तरों पर किया जाना चाहिए। ये स्टेजेस हैं मेनली तीन, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। अब आपदा के पहले क्या जरूरत होगी? सूचना और जागरूकता का प्रचार करना यानी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना, दूसरा स्थानीय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और तीसरा समर्थन और नियोजन। तो जब कोई भी डिजास्टर किसी जगह पे होता ही रहता है, जैसे कि अपने कोस्टल एरियाज से जहाँ साइक्लोन्स का आना जाना बना रहता है, तो यहाँ पे हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं कि इन्फॉर्म के हम सेंटर्स इस्टेब्लिश करें, ट्रेन करें वहाँ के जो भी वॉलेंटियर्स हैं और बेल प्लानिंग करें। और आपदा के दौरान सेकेंड स्टेज होगी यानी कि कोई डिजास्टर हो गया उसके बाद। नंबर वन है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक सहायता। दूसरा है तुरंत बचाव और प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड और इमरजेंसी उनको सर्वाइव करना। नेक्स्ट है भोजन, जल, औषधि और अन्य आपात सामग्री, फूड और ड्रग्स सप्लाई करना। और फिर स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था। और लास्ट है क्षति मूल्यांकन। तो ये आपदा के दौरान होगा। अब डिजास्टर हो चुका है और उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें आता है पुनर्निर्माण, रिहैबिलिटेशन में टेक्निकल और मटेरियल हेल्प करना, वित्तीय सहायता पर्यवेक्षण में सहयोग करना, फिनेंशियल जो ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा एनजीओस का रोल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। भारत में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर रेड क्रॉस सोसाइटी है। यह मात्र एक प्राधिकरण नहीं है बल्कि घोर आवश्यकता में लोगों को राहत पहुँचाने के लिए यह एक आंदोलन है। चूँकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की प्रशाखा है, यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है। रेड क्रॉस सोसाइटी की यह छवि है जो इसे लोगों के संकट के समय राहत पहुंचाने के क्षेत्र में अति सीक्रेट संस्था बनाती है। 1995 तक रेड क्रॉस सोसाइटी प्रमुख रूप से राहत संगठन के रूप में काम कर रही थी। 1996 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के कार्य का प्रमुख केंद्र बिंदु राहत से आपदा तैयारी में परिवर्तित हो गया और इसमें समुदाय आधारित आपदा तैयारी योजनाएं बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है नंबर 1 क्षेत्र के दौरे, नंबर 2 विभिन्न संगठनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न चीज़ों व प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावली में प्रशिक्षकों को अवगत कराना, नेक्स्ट है प्रशिक्षकों को आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका से परिचित कराना जिसमें स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए राहत और बचाव कार्य शामिल है,
रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य रूप से राहत वितरण तथा प्राथमिक सहायता और आपदा पीड़ितों को अस्पताल या दूसरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाने से संबद्ध है। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्पस NCC और राष्ट्रीय समाज सेवा नेशनल सोशल सर्विसेज जैसे दूसरे प्राधिकरण को भी रेड क्रॉस सोसाइटी को सामर्थ्य भूमिका से अवगत कराना चाहिए ताकि समुचित तालमेल सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है मीडिया। हाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक के रूप में उभरी है। चाहे यह 2001 का गुजरात भूकंप हो या 2005 का मुजफ्फराबाद भूकंप, आपदा स्थितियों में यह भूमिका उभर कर सामने आई है। इसी के साथ ही प्रिंट मीडिया की भूमिका विशेषता क्षेत्रीय प्रेस की भूमिका को भी मान्यता मिलनी चाहिए, चूँकि यह एकमात्र माध्यम है जो समाज के कई क्षेत्र के लोगों तक अपनी पहुँच बनाए हुए है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हर जगह पहुंच चुका है। इसके अलावा यह सत्य है कि प्रिंट मीडिया समुचित सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करने के माध्यम से आपदा पूर्व रोकथाम, आपदा न्यूनीकरण और तैयारी संबंधी कार्यकलापों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अभी मीडिया का रोल देखा।